नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं। दुखी पतियों के ऊपर एक बड़ी खबर। अक्सर आपने घरों में देखा होगा, पहले घरों में ये होता था कि पति पत्नी पर जुल्म ढाता था। पति के माँ बाप पत्नी पर जुल्म ढाते थे, पत्नी को तंग करते थे। इसको लेकर फिर समय समय पर नए नियम आते गए और उन नियमों के बाद पत्नियों की गुंडागर्दी बढ़ गई। कुछ दिनों पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में तलाक को लेकर फैसला सुनाया, जहां एक आदमी को उसकी पत्नी ने ये कहते हुए छोड़ दिया था कि उसका रंग काला है। कोर्ट के मुताबिक ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्रूरता है, मगर अगर पत्नी अपने पति को बुरा भला कहे या फिर उसकी लुक्स को लेकर उसे नीचा दिखाए या नशेड़ी कहे, आस पड़ोस की औरतों को फोन करके पति के परिवार के बारे में बुरा भला कहे, ऐसे में पति को अपनी पत्नी से तलाक लेने का पूरा अधिकार है। आज की इस वीडियो में मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं। अपने जानते हैं कि शादी के बाद पुरुषों को कौन से कानूनी अधिकार होते हैं। वैसे तो लीगली पति के पास इतने अधिकार नहीं होते जितने पत्नी के पास होते हैं, लेकिन कुछ अधिकार जरूर हैं जो पति की सुरक्षा और सम्मान के लिए मौजूद हैं। जैसे पति के साथ हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना या मानसिक प्रताड़ना होने पर शिकायत का अधिकार है, जैसा कि ऊपर आपको बता चुका हूं मैं। ऐसे में तलाक मांगने, बच्चे की कस्टडी मांगने, खुद से बनाई संपत्ति पर और हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पत्नी से मेंटेनेंस मांगने का भी पति को अधिकार है। अब जानते हैं कि पति किस कंडीशन में पत्नी से तलाक ले सकता है। अगर पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध या अफेयर हो, या पत्नी पति का मेंटल हरेसमेंट करती हो, शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती हो, बच्चे पैदा कर पाने में सक्षम ना हो, दोनों के बीच साल भर या उससे ज़्यादा समय से बातचीत ना हो, पति संन्यास ले चुकी हो या फिर पत्नी को कुष्ठ रोग या मेंटल डिसऑर्डर हो, तो पति को तलाक मांगने का पूरा हक है। कानून के तहत जानबूझकर किए गए ऐसे काम जिसमें पार्टनर की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, उसे क्रूरता माना जाता है। कानून में कुछ सिचुएशन में क्रूरता का जिक्र है, जैसे पत्नी पति को उसके परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों से ना मिलने दे, बार बार ना मर्द बोले, नशेड़ी बोले, हर काम में ज़्यादा टोका टाकी करे, शारीरिक हिंसा, दर्द होना या नुकसान पहुंचाए, अपशब्द बोले या गाली दे, या फिर बार बार आत्महत्या की धमकी दे, या लड़की के घर वाले धमकी दे कि हमारी बेटी को कुछ हो गया तो देख लेंगे, ससुराल वाले रोज रोज फोन करके मानसिक पीड़ित करें। अगर पति कोर्ट में ये सब बातें प्रूफ कर देता है कि पार्टनर की वजह से उसे मानसिक प्रताड़ना हुई है, तो कोर्ट उसे क्वालिटी मानकर तलाक को मंजूरी दे देता है। देश में फिलहाल घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए कानून सिर्फ पत्नियों के लिए है। पति के लिए फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं, लेकिन पति घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस से मदद ले सकता है। साथ ही अगर पत्नी दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पति पर IPC की धारा 498A के तहत झूठा केस करती है, तो पति CRPC की धारा 227 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा अगर पत्नी पति को ब्लैकमेल करती है, तो IPC की धारा 348 के तहत पुलिस में शिकायत की जा सकती है और इस आधार पर तलाक की याचिका भी दायर की जा सकती है। तो ये है कुछ कानूनी अधिकार जो शादी के बाद पुरुषों के पास होते हैं। मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कई पुरुष अपनी पत्नी की गुंडागर्दी को सहते रहते हैं, वो सारा दिन मानसिक उत्पीड़ित करती है, आसपास पड़ोसियों से और अपने मायके वालों से पति की झूठी बुराई करके उनको बदनाम करती रहती है, जिसको कई पुरुष सहते हैं, तो वे कानूनन ऐसी औरतों के खिलाफ तलाक की याचिका दर्ज करवा सकते हैं। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी को इज्जत के साथ रखें और अपने माँ बाप की सेवा भी करवाएं, और माँ बाप को भी अपनी बहू के साथ प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। और अगर माँ बाप 5 मिनट किसी बात को लेकर पत्नी से झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद पत्नी पूरा दिन मानसिक उत्पीड़न करे, फोन करके आस पड़ोस या अपने मायके वालों को झूठी बुराई करे, तो आप तलाक लेने के हकदार हैं।
ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना अमित लक्की धवन, जल्द मिलता हूँ एक और बड़ी खबर के साथ।